दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में साइकोलॉजी के DSSB में आए हुए क्वेश्चंस को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमिक और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। पहला विकास है, दूसरा अकेले ऊंचाई में वृद्धि, भावनात्मक असमानता या अकेले भार में वृद्धि। तो अनुभव, परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य का क्रमिक प्रगतिशील जो होता है विकास कहलाता है। तो एक बच्चे में वृद्धि में निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भित है? गुणात्मक परिवर्तन, अपने साथ एकात्मकता प्राप्त करना, शारीरिक परिवर्तन या पर्याप्त पोषण लेना। तो यहाँ जो है आपका गुणात्मक परिवर्तन जो है वो वृद्धि में आता है। एक बालक को की केंद्र से चारों ओर विकास की दिशा क्या कहलाती है? सफेलो कॉडल, समीप से दूर, कोडोसेफलिक या दूर से समीप। तो ये समीप से दूर यानी कि बी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट है। एक बालक में वृद्धि और विकास की दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये दोनों एक रूप हैं, ये दोनों एक रूप नहीं है। वृद्धावस्था में तीव्र परिवर्तन होते हैं, किशोरावस्था में विकास रुक जाता है। तो वृद्धि और विकास की दर का संबंध है कि ये एक रूप नहीं है। तो क्योंकि जरूरी नहीं है कि वृद्धि हो तो विकास भी हो। तो 105वां क्वेश्चन है, एक बालक विकास की अपनी प्रारंभिक अवस्थाओं में वस्तुएं पहले देखता है, छोटी देखता है, वह सबको जो दृश्य है वो सभी देखता है, बड़ी देखता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो छोटे बच्चे को देखा होगा बड़ी चीज को पहले पकड़ता है, तो सी जो है वो बड़ी आएगा। जीन और गुणसूत्र माता के गर्भ में गर्भधारण के समय बालक में माता पिता से पहलुओं को स्थानांतरित करते हैं, पोषक, सामाजिक, नैतिक या अनुवांशिक। तो जून और गुणसूत्र जो है वो बच्चे के अंदर जो है नैतिक जो है वो पहलुओं को स्थानांतरित करते हैं। इनमें से कौन सा एक बाह्य कारक है जो एक बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है? शारीरिक परिवर्तन, बुद्धिमत्ता, जैविक कारक या अनुवांशिक। तो शारीरिक पर्यावरण इसका सही उत्तर है। गर्भावस्था के दौरान माता का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक डैश कारक है जो एक बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है, आंतरिक, बाह्य, अपदार्थ या असंबंध। तो इसमें बाह्य जो है, बाह्य कारक जो है वो सही है। इनमें से कौन सी आयु परावर्ती बाल्यकाल की श्रेणी में आती है? 2 से 6, 6 से 12, 1 से 6 वर्ष या 12 से 15 वर्ष। तो 6 से 12 वर्ष की अवस्था परावर्ती बाल्यकाल आती है। किस माह में बालक अपने स्थान पर कूद सकता है और संतुलन बना सकता है? 12 माह का, 6 माह का, 24 माह का या 18 माह का। तो 2 वर्ष का बालक यानी कि 24 माह का जो बच्चा है वो अपने स्थान पर कूद सकता है और संतुलन बना सकता है। तो 2 वर्ष का या 24 माह का बच्चा कर सकता है। इनमें से कौन सा गतिविधि आधारित अध्ययन का एक लाभ है? वह बहुत सी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करता है, अध्यापक के दृष्टिकोण से अध्ययन पर केंद्रित होता है या रचनात्मकता को न्यूनतम करता है और डी है संदर्भात्मकता को रोकता है। तो जो गतिविधि आधारित अध्ययन है या वो जो एक्टिविटी बेस्ड है वो बहुत सी ज्ञानेंद्रियों को प्रयोग करने का अवसर देता है। अगला है, सहकारी अध्ययन प्रतिभागियों के बीच पर जोर देती है, रटने के अध्ययन पर, व्यक्तिगत उत्कृष्टता पर, आत्मनिर्भरता पर या उत्तरदायित्व पर। तो अंतःनिर्भरता पर देती है। इनमें से कौन सा सत्य है? बच्चे सूचना के परोक्ष ग्राही हैं, बच्चे कक्षा शिक्षण द्वारा सर्वोत्तम रूप से सीखते हैं, बच्चों में अध्ययन कभी भी अंतिम नहीं होता, बच्चे सक्रिय अध्येता होते हैं। तो यहाँ पर जो है आएगा कि बच्चे सक्रिय अध्येता होते हैं। इनमें से कौन सा विद्यार्थियों के लिए अध्ययन अनुभव बढ़ाने के लिए प्रयुक्त रचनात्मक अभिव्यक्ति तकनीक नहीं है? तो संगीत है, रटना, अध्ययन करना, लिखना या कठपुतली। तो जो अध्ययन अनुभव बढ़ाने वाली तरीका रटना जो कि पुराना तरीका है वो नहीं है। एक अध्यापक जो अन्य तरीकों के साथ साथ रचनात्मक अभिव्यक्ति का सही मिश्रण प्रयोग करता है वह बालकों को डैश सोचने रखने को प्रोत्साहित करता है। अभिसारी, अपसारी, न्यूनतम या लघु अवधिक। तो अपसारी आएगा इसमें सही।
निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों को विश्लेषणात्मक और संप्रेषण कौशल विकसित करने के अध्ययन अवसर उपलब्ध कराता है? समूह चर्चा, विरल मूल्यांकन, रटी हुई स्मृति में लिखना या नीतिपरक व्याख्यान? तो इसमें समूह चर्चा या ग्रुप डिस्कशन जो है ये बच्चों को विश्लेषणात्मक और संप्रेषण कौशल को विकसित करता है। इनमें से कौन सी एक अध्ययन विधि प्राकृतिक परिस्थितियों में एक उभरने वाली और अनुभव की गई समस्या को हल करने के लिए वास्तविक जीवन की गतिविधियों के संबंध में अध्ययन की विधि है? खेलने का समय, गृह कार्य, मूल्यांकन या परियोजना? तो परियोजना जो है यह अध्ययन विधि है जो प्राकृतिक परिस्थितियों में उभरने वाली और अनुभव की गई समस्या को हल करने की वास्तविक जीवन की गतिविधि है, जिसे प्रोजेक्ट भी कहते हैं। छोटी समूह चर्चा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देती है? सक्रिय भाग प्रतियोगिता को, अंत्योन्न क्रिया को, समूह आधारित संप्रेषण को या उपरोक्त सभी को? तो ये सभी इसमें आ जाती हैं ग्रुप छोटे जो है ग्रुप डिस्कशन में। तो इनमें से कौन से मीडिया संसाधन शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में उपयोगी हैं? समाचार पत्र, चित्र प्रदर्शनी या उपरोक्त सभी? ये सभी इसमें हैं। इनमें से कौन सा परियोजना विधि, परियोजना मैंने प्रोजेक्ट विधि के रूप में जाने वाली शिक्षण अध्ययन विधि के एक विशेषता अनुभव परिकल्पित है और इसलिए एक प्रभावी लघु अवधिक अध्ययन है? यह खोजी प्रवृत्ति को विकसित करने में सहायता करता है या अपसारी विचार को हतोत्साहित करता है या विद्यार्थियों के वैयक्तिक उपलब्धियों पर जोर देता है ना कि टीम कार्य पर? तो परियोजना जो है ये अपसारी विचार को हतोत्साहित करता है। समाज डैश शिक्षा बच्चों को उपलब्ध कराने के लिए विद्यालय स्थापित करता है ताकि वे सामाजिक मूल्यों, रिवाजों और परंपराओं को अपने सफल जीवन के लिए आवश्यक जानकारी और व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। तो अनौपचारिक, सार्वभौमिक, गैर औपचारिक या औपचारिक? तो औपचारिक इसमें सही है। 122वां क्वेश्चन जो है वो अब हम करने जा रहे हैं। तो 122वां क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन भारत में विद्यालय प्रणाली का पहला रूप डैश के नाम से जाना जाता था, टोल, पाठ्यशाला, गुरुकुल या मदरसा? तो सभी जानते हैं पहले गुरुकुल होता था जहां बच्चे गुरु के घर में ही रह के पढ़ते थे। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? विद्यालय शिक्षा का औपचारिक भाग है, शिक्षा समाप्त हो जाने पर विद्यार्थी विद्यालय छोड़ देता है, शिक्षा बंद सिरे वाली है, निर्धारित सीमाएँ हैं और कितनी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है? तो ये विद्यालय शिक्षा का औपचारिक भाग है, ये कथन सत्य है। द्विध्रुवीय यानी कि बाइपोलर शिक्षा प्रणाली प्रक्रिया का विचार किसने प्रस्तावित किया था? पहला है सर जॉन डेवे, दूसरा संत जॉन एडम, स्वामी विवेकानंद या स्वामी अरविंदो? तो सर जॉन एडम का विचार है। मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा के रूप में के अंतर्गत आएंगे औपचारिक, गैर औपचारिक, अनौपचारिक या उपरोक्त में से सभी? तो ये अनौपचारिक में आएगा। अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में इनमें से कौन सा सत्य है? इनका एक निश्चित लक्ष्य है, इनमें एक संगठित संस्था शामिल है, इसमें शिक्षण की एक निश्चित विधि है, ये अचेतन अध्ययन उपलब्ध कराता है। तो अनौपचारिक शिक्षा जो है ये जो है अब आपको जो है एक निश्चित लक्ष्य होता है वही कराता है, एक टारगेट फिक्स होता है। इनमें से को किस शब्द का अर्थ प्रशिक्षित करना है? एजुकेट्स, एजुसियर, एजुकेयर या एग्रेस? तो इसमें एजुकेट यानी कि एज ठीक है। इनमें से किस शिक्षाविद को किंडरगार्टन प्रणाली के उद्भवकर्ता का श्रेय दिया जाता है? फेडरिक फ्रोबल, मारिया मॉन्टेसरी या हैरिक पेस्टोलॉजी या जॉन डेवे? तो किंडरगार्टन प्रणाली के प्रणेता जो थे फेडरिक फ्रोबल थे। इनमें से किस विचारक ने इंडियन फिलॉसफी पुस्तक लिखी? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, प्रोफेसर यशपाल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गिज्जू भाई वदेका? तो सभी जानते हैं ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखी थी। सुकरात, प्लूटो और अरस्तु विचारक थे? रोमन, यूनानी, आयरिश और उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जो है यूनानी थे। सामान्य लोग भाषा को केवल डैश के रूप में पहचानते हैं। संप्रेषण व्याकरण अध्ययन विद्यालय में अध्ययन या एक शब्दकोश प्रयोग करना, तो सामान्य लोग जो है संप्रेषण यानी कि अपने विचार आगे पहुंचाने के रूप में मानते हैं। किस आयु के एक बालक बालिका उसकी भाषा को विकसित करता है? 8 वर्ष का, 6 वर्ष का, 4 वर्ष का या 1 वर्ष का? तो 4 वर्ष का बालक अपनी भाषा को विकसित करना आरम्भ करता है। सभी बालक डैश व्याकरण से बनी
भाषा के अधिग्रहण के लिए एक जन्मजात वृत्ति के साथ जन्म लेते हैं। सार्वभौमिक, आवश्यक, भाषाई या सुस्पष्ट। तो सार्वभौमिक, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं को भारत की मुख्य भाषाओं के रूप में नामित करती है। 14, 16, 20 या 22, तो 22 भाषाओं को नामित करती है। अग्निहोत्री के अनुसार डैश का भाषाई कुशलता, अध्ययन परक उपलब्धि, संज्ञानात्मक लोचनशीलता और सामाजिक सहिष्णुता के साथ अत्यंत निकट संबंध है। एक भाषावाद, द्विभाषावाद, त्रिभाषावाद या बहुभाषावाद। तो एक अग्निहोत्री के अनुसार जो है एक भाषावाद भाषाई कुशलता को विकसित करती है। पश्चिमी देशों में भाषा के संबंध में प्रबल रूप है विषम रूपी, द्विभाषी, विविध या एक भाषी। तो पश्चिमी देशों में एक भाषी होते हैं। उर्दू, बंगाली और असमी भारत के निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार से आते हैं? इंडो आर्यन, द्रविड़, टबेटो, बुरमान या मुंडा। तो इसमें इंडो आर्यन सभ्यता के ये उर्दू, बंगाली और असमी भाषाएं हैं। तो ए ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत में भाषा परिवारों की संख्या के संगत है? 1, 2, 3 या 4, मतलब कितने भारत में भाषा परिवार हैं? तो भारत में 4 भाषा परिवार हैं, तो डी ऑप्शन ठीक है। सभी भारतीय भाषाओं में दूसरे शब्द होते हैं, जो अतिरिक्त शब्द होते हैं उनमें से कोई अर्थ नहीं होता यदि वे अकेले प्रयोग किए जाएँ, परंतु पहले वाले के समरूप लगते हैं वे शब्द कहलाते हैं। युगल शब्द, भागी शब्द, युग्म शब्द या प्रति ध्वनि शब्द। तो ये शब्द प्रतिध्वनि शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया विशेषण सभी भारतीय भाषाओं में नए शब्दों की रचना के लिए दोहराए जा सकते हैं। ऐसे शब्दों को डैश कहते हैं। पहला है सर्वनाम, दूसरा है दिरुक्त शब्द, तीसरा प्रतिध्वनि शब्द, चौथा सामान्य संज्ञा। तो ये दिरुक्त शब्द कहलाते हैं। प्रारंभिक विद्यालय में बालक विकास के किस चरण में है? ये औपचारिक परिचालन, ठोस परिचालन, संबंध प्रेक्षण या पूर्व परिचालन। तो प्रारंभिक विद्यालय में बालक पूर्व परिचालन में है। मिलान से डैश की संकल्पना की समझ आती है। क्रमबद्धता, क्रमिकता, एक से एक संगत या गणना। तो मिलान से जो है वो एक से एक संगत की आती है। गणना का दूसरा चरण एक समूह के वस्तुओं की संख्या को जानना है, वह पहलू डैश के नाम से जाना जाता है। तत्काल गणना, क्रमवाचन, तुलना या विश्लेषण। तो यहाँ पे क्रमवाचक के रूप में आता है। एक बालक की संज्ञात्मकता विकास के कारण के चरण में संक्षिप्त गणितीय संकल्पना विकसित होने की संभावना है। ठोस परिचालन, औपचारिक परिचालन अवधि, संवेदी प्रेक्षण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है ठोस परिचालन जो है इसका आएगा। डैश तार्किकता का एक रूप है जिसमें एक सामान्य नियम या सिद्धांत विशेष वस्तुओं या विशेष प्रक्रियाओं से उत्पन्न होते हैं, पर प्रेक्षण, घटना, संज्ञान या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है आपका जो है संज्ञान जो है तार्किकता का एक रूप है। एक पूर्व रचित सूत्र और सिद्धांत विद्यार्थियों द्वारा को बताया जाता है और उसे विभिन्न संबंधित समस्याओं को पूर्व सूत्र की सहायता से हल करने के लिए कहा जाता है। यह विधि क्या कहलाती है? तत्काल गणना, संज्ञात्मक प्रक्रिया या प्रेक्षण विधि या कटौती विधि। तो ये प्रेरण विधि जो है ये कहलाती है क्योंकि पूर्व ज्ञान का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अध्ययन के किस प्रावधान में विद्यार्थियों के पास परिघटन और पदार्थ के साथ प्रत्यक्षता शामिल होने के अवसर होते हैं? संलिप्त, खोज, व्याख्या या मूल्यांकन। तो अध्ययन की में जो है विद्यार्थी परिघटन और पदार्थ के प्रत्यक्षता शामिल होने के लिए खोज विधि। अध्ययन के व्याख्या, निर्माण, डिजाइन, मॉडल का कौन सा चरण विद्यार्थियों को उनके मस्तिष्क को उसके अध्यापकों के साथ मस्तिष्क मंथन के माध्यम से संलिप्त करने संबंधित है? वह पर्यवेक्षण, संदर्भात्मकता, सहयोग या संज्ञा ज्ञानात्मक शिक्षुकता। तो इसमें जो है सी, सहयोग यानी कि कॉपरेशन है। अध्ययन का कौन सा तरीका प्रतिभागियों को एक गतिविधि में संलिप्त करता है और उन्हें संक्षिप्तात्मक रूप से गतिविधियों पर परावर्तित होने और उपयोगी ज्ञान और अध्ययन अर्जित करवाने में सहायता करता है? तो इसमें अप्रत्यक्ष अध्ययन, अनुभव परक या सहयोग। तो सहयोग ठीक है। इनमें से कौन सा अनुभव परक अध्ययन चक्र
में केंद्रीय चरण है, अनुभव लेना, प्रकाशन, सामान्यकरण या प्रसंस्करण, यानी के प्रोसेसिंग। तो इसमें अनुभव लेना ठीक है। भाषा जो गैर स्थानीय लोगों द्वारा सीखी और प्रयोग में की जाती है कहलाती है प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, विदेशी भाषा या बहु भाषा। तो गैर स्थानीय लोगों द्वारा जो भाषा प्रयोग की जाती है वह द्वितीय भाषा कहलाती है। किस आयु में एक बालक 4 या 5 उलझे वाक्यों में से सार्थक गद्य बनाने में सक्षम होता है? 6 से 7 वर्ष का, 3 से 4 वर्ष का, 1 से 2 वर्ष का या 4 से 5। तो 6 से 7 वर्ष का बच्चा गद्य बना सकता है। किस स्तर तक विद्यार्थी द्वितीय भाषा में अपने दृष्टिकोण लिखने में सक्षम हो जाते हैं? तो किस स्तर के बालक, पूर्व प्राथमिक के, निम्न प्राथमिक के, उच्च प्राथमिक के या उच्च किंडरगार्टन के? तो यहाँ पर जो है सेकंड लैंग्वेज में लिखने वाले उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे हो सकते हैं। द्विभाषावाद के सकारात्मक परिणाम मिलते हैं जो कि स्थानांतरित किए जा सकते हैं, इसे कहा जाता है ग्राही द्विभाषावाद। साथ साथ द्विभाषावाद सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण। तो द्विभाषावाद का सकारात्मक परिणाम को स्थानांतरित, सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। अंग्रेजी भाषा में डैश शुद्ध स्वर और डैश संयुक्त स्वर होते हैं। तो अंग्रेजी भाषा में जो है 12 जो है शुद्ध शब्द और 8 जो है संयुक्त स्वर होते हैं। तो ये ए ठीक है। इनमें से कौन सा एक आपूर्ति प्रकार का प्रश्न है, निबंध, वैकल्पिक स्तर, मिलान का प्रकार या बहुवैकल्पिक प्रकार? तो इसमें जो है वैकल्पिक उत्तर ठीक है। अतिरिक्त स्थान भरे प्रकार के प्रश्न डैश प्रकार के प्रश्न है, संरचनात्मक, उत्तर पर, चुनाव परक, अपूर्ण कथन या प्रश्न रूप। तो इसमें जो है आपका रिक्त जो है प्रश्न रिक्त स्थान वाले चुनाव प्रकार के होते हैं। किस प्रकार का शिक्षण अर्थ पर जोर देता है, ना कि भाषा सीखने व में रूपों और पैटर्न पर? तो किस प्रकार का शिक्षण देता है, संप्रेषण भाषा शिक्षण, प्रतिस्पर्धात्मक आधारित भाषा शिक्षण, सहयोगी अध्ययन या सहकारी भाषा शिक्षण? तो जो है भाषा सीखने पर संप्रेषणीय भाषा शिक्षण अच्छा है। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल होता है, शिक्षक, सुविधाकारक, विद्यार्थी या प्रस्तुता? तो संप्रेक्षण भाषा शिक्षण में सबसे प्रबल विद्यार्थी होता है। अंग्रेजी शिक्षण में इनमें से कौन सी विधि अध्यापक अन्य विधियों से तत्व चुनने की अनुमति देती है, संकलन विधि, रचनात्मकता विधि, सहयोगी विधि या प्रतिस्पर्धा आधारित शिक्षा? तो अंग्रेजी शिक्षण में संबलन जो है वो महत्वपूर्ण। एक व्यावसायिक कौशल पढ़ाने में सबसे प्रभावी तरीका है कक्षा शिक्षण, कला और नाटक के माध्यम से, जिप्सा विधि से या प्रदर्शन विधि से? व्यावसायिक कौशल बढ़ाने का सबसे प्रभावी जो माध्यम है वो प्रदर्शन या डेमोंस्ट्रेशन मेथड है। इनमें से कौन सी विधि शिक्षण की प्रयोगशाला विधि को प्रयोग करने का लाभ है, करके सीखने के सिद्धांत को, लर्निंग विद डूइंग, समय खपतकारी, समय निम्न में से के लिए उपयुक्त, ए और दुपसी दोनों सही हैं? तो इसमें करके सीखने का सिद्धांत और निम्न कक्षा के लिए उपयुक्त है यह लर्निंग बाय डूइंग, तो ए और सी दोनों ठीक है, यानी कि डी ठीक है। इनमें से कौन सा विश्लेषणात्मक विधि के विपरीत है, तो विश्लेषणात्मक विधि कौन से, जिप्सा विधि, प्रयोगशाला विधि, संश्लिष्ट विधि या गद्य विश्लेषण विधि? तो इसमें गद्य विश्लेषण विधि जो है गलत है। एक अच्छा संप्रेक्षक होने के लिए आवश्यक है अच्छा श्रोता होना। नजर ना मिलाना निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है, आरामदायक महसूस करना, सत्य छुपाना, ईमानदारी या समानुभूतिक व्यक्तित्व? तो सत्य छुपाने वाला व्यक्ति आंख नहीं मिलाता। एक कक्षा में एक जब शिक्षक अध्ययन केंद्र पर ध्यान देता है तो वह कहलाता है अनुबोधक, संसाधक, प्रशिक्षक या नियंत्रक? तो वह अगर वह शिक्षा ध्यान केंद्रित करता है, करने पर ध्यान देता है, तो एक कक्षा में शिक्षक जब ध्यान केंद्रित करने को आता है तो वह नियंत्रक कहलाता है, यानी कि कंट्रोलर। शिक्षक एक कक्षा में निम्नलिखित में से किसके रूप में कार्य करता है, जिसमें शिक्षक को विद्यार्थियों के सहयोग सहाय
केवल सहायक जो है विद्यार्थियों की सहायता केवल तब करनी चाहिए जब आवश्यक हो। तो इसमें संसाधन आयोजक, मूल्यांकक या भागीदार, तो यहाँ पर मूल्यांकक होगा। शिक्षक अनुबोधक की भूमिका निभाता है, जब वह ध्यान पर केंद्र बनता है, वह चलता फिरता संसाधन है, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है या कक्षा की गतिविधियों में भाग लेता है। तो शिक्षक अनुबोधक की भूमिका तब निभाता है जब विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है। 21वीं सदी के अध्ययन और नवोन्वेषी कौशल के 4C में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कक्षा नियंत्रण, संप्रेषण, सहयोग या रचनात्मकता। तो ये 4C हैं, तो क्लास कंट्रोल है और इसमें सही है, यानी कि कक्षा नियंत्रण। तो 170वां क्वेश्चन है, व्यवहार संशोधन स्रोत मॉडल का नवोन्वेषी था, तो नवोन्वेषी था कौन, इस जिसने इसको व्यवहार संशोधन स्रोत मॉडल बनाया, वो है BF स्किनर, रेस्क, एस उबल या एन गुड। तो इसमें से BF स्किनर ठीक है। इनमें से कौन से अच्छे शिक्षक विद्यार्थी संबंधों का लक्षण है? शारीरिक दंड प्रयोग करना, शिक्षक द्वारा प्रबल्य का प्रयुक्त स्तर प्रयोग करना, मार को दंड के रूप में प्रस्तुत करना, गर्म जोशी और स्वीकार्यता के निम्नतम स्तर का शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रयोग किया जाना। तो D जो है गर्म जोशी और स्वीकार्यता का प्रयोग। संप्रेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित मीडिया निम्नलिखित में से किसका भाग है? प्रेषक, संदेश, चैनल या गैर मौखिक शिक्षा। तो मीडिया जो है वो संदेश का माध्यम है। द्विमार्गी संप्रेषण की प्रक्रिया में प्रेषक एक सिरे पर है जबकि डैश दूसरे सिरे पर, संदेश स्रोत, चैनल या ग्राही। तो प्रेषक एक सिरे पर या दूसरे सिरे पर, ग्राही है। कौन सा व्याख्यान प्रदर्शन विधि का अंतिम चरण है? तैयारी चरण, निष्पादन चरण, अभ्यास चरण या मूल्यांकनकर्ता चरण। तो प्रदर्शन विधि डेमोन्स्ट्रेशन विधि के दूसरी तरफ पर मूल्यांकनकर्ता चरण है। तो एनालिसिस, गणितीय शिक्षण का मुख्य शब्दार्थ के निरंतर अनुस्मरण उपलब्ध कराने के लिए पूरे विद्यालय वर्ष के दौरान कक्षा वाक्यांशों को दर्शाना कहलाता है। नामपत्रण, शब्द दीवार, रचना या आरेखण। तो यहाँ पर गणितीय शिक्षण के मुख्य शब्दार्थ जो है वो नामपत्रण कहलाता है। शैक्षिक विश्लेषण में अध्ययन के विभिन्न प्रकार की पहचान डैश चरण के अंतर्गत आती है। मूल्यांकन पूर्व प्रसंक्रिया, अंतो अन्योन्य क्रिया या निर्देशात्मकता। तो यहाँ अन्योन्य क्रिया ठीक आंसर है। 170वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पाठ योजना में अंतिम चरण है? पाठ के अंत तैयार करना, लक्ष्य निर्धारित करना, निर्देशात्मक विधि चुनना, अंतिम प्रारूप तैयार करना। तो पाठ परियोजना का ये अंतिम रूप जो है, अंतिम प्रारूप तैयार करना है। पूर्ण पाठ के लिए उद्देश्य कथन जो विदिष्ट करता है और विद्यार्थी पाठ के अंत में क्या करने में सक्षम होता है यह कहलाता है। पाठ्यक्रम आयोजन प्रारूप, लक्ष्य या अध्ययन सूची। तो पाठ के अंत में जो है ये लक्ष्य निर्धारित, तो कथन पूर्ण करें, अध्ययन बेहतर होता है जब हम डैश, तो अधिक शामिल होते हैं, संवेदी सूचना को सीमित करते हैं, कम शामिल होते हैं, सार से ठोस की ओर जाते हैं। तो अध्ययन बेहतर होता है जब हम अधिक शामिल होते हैं, संवेदी सूचना को शामिल करते हैं, तो अधिक शामिल होते हैं, ये ठीक है। अध्ययनेता की ओर से संचलित इस चरण में कौन सा अप्रत्यक्ष समझी जाएगी? मौखिक प्राप्ति, भागीदारी, दृश्य और मौखिक प्राप्ति और डी करना। तो इसमें से जो है अध्ययनेता की ओर संलिप्तता के चरण में अप्रत्यक्षित मौखिक प्राप्ति समझी जाती है। 181वां क्वेश्चन है, पर्यवेक्षण और अनुसंधान के लिए जानवरों या पौधों को रखने और बड़ा करने के लिए एक बंद क्षेत्र क्या कहलाता है? चिड़ियाघर कहलाता है, पक्षीघर कहलाता है, वनस्पति संग्रह कहलाता है या पादप बगीचा कहलाता है। तो ये जो है जानवरों और पौधों को रखने का बड़ा स्थान जो है पक्षीघर कहलाता है। इनमें से कौन सा एक शुष्क या एक जंगल जैसे आवास को उद्दीप्त करता है? तारा ग्रह, वनस्पति ग्रह, पैलिडोरियर या टेरियम। तो यहाँ पर जो एक शुष्क और एक जंगल जैसे आवास को
वनस्पति संग्रह कहेंगे। डैश एक वल्ले, हुक और एक कोष्टक द्वारा एक एक बांधे गए चार्ट का क्रम है। ग्राफ, फ्लैनल बोर्ड, पोस्टर या फ्लिप चार्ट। तो यहाँ पर एक वल्ले या हुक या कोष्टक के द्वारा बांधा गया फ्लिप चार्ट कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक संसाधन है? नमूना, आईसीटी उपकरण, मौखिक पदार्थ या मॉडल। तो इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जो है आईसीटी उपकरण है, जो कि कंप्यूटर लैब में मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग के संबंध में सत्य है? यह एक संख्यात्मक संकल्पना है, यह जैविक रूप से निर्धारित होती है, यह व्यक्ति के लिंग के समान है, यह एक सामाजिक रचना है। तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन या जैविक रूप से निर्धारित होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग वर्णन अक्सर लक्षित प्रशिक्षणों और कार्यशालाओं के माध्यम से महिलाओं की एजेंसी को बढ़ाने और सशक्तिकरण की ओर उन्हें अपने जीवन के नियंत्रण स्वयं करने की शक्ति प्रदान करने के लिए केंद्रित तरीके से संदर्भित है? विकासात्मक तरीके से महिला, विकासात्मक तरीके से लिंग, उत्तर ढांचात्मक या मानवाधिकार निर्धारण तरीका। तो ये ठीक है। इनमें से कौन सी भूमिका प्राथमिक रूप से पुरुषों द्वारा ली गई है? पुनरुत्थापन, समुदाय प्रबंधन, कार्यबल और देखभाल और अनुरक्षण, सामुदायिक राजनीतिक भूमिका। तो यहाँ पर जो है पुरुषों द्वारा ली गई भूमिका प्राथमिक रूप से वो है सामूहिक प्रबंधन। एक लिंग के ऊपर दूसरे की वरीयता या पूर्वाग्रह कहलाता है। लैंगिक भूमिका, लैंगिक जागरूकता, लैंगिक पक्षपात या लैंगिक समत। तो जो है एक के ऊपर दूसरे को देना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि लैंगिक पक्षपात कहलाता है। अध्ययन जो शिक्षण संस्थाओं द्वारा संगठित किया जाता है और गैर प्रत्यक्ष पत्र द्वारा होती है, किस प्रकार की शिक्षा है? और अनौपचारिक, गैर अनौपचारिक, विद्यालय आधारित या औपचारिक। तो ये गैर औपचारिक है। निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर शिक्षा सोर्स का एक उदाहरण है? गैर औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, उच्च विद्यालय शिक्षा। तो निरंतर शिक्षा कोर्स का एक उदाहरण औपचारिक कोर्स है। जानबूझकर और मंशा के साथ जन्म के एक वर्ष के भीतर एक कन्या को मारना क्या कहलाता है? कन्या भ्रूण हत्या, लिंग निर्धारण, कन्या शिशु हत्या या लिंग पूर्व चुनाव। तो कन्या शिशु हत्या कहलाता है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? महिला और पुरुष के जन्मों का अनुपात एक अनुपात है, कि नर शिशुओं की संख्या सदैव थोड़ी अधिक होती है, प्रति हजार मादा शिशुओं पर 105 पुरुष होते हैं, ये उपरोक्त सभी। तो नेचर जो है एक अनुपात एक निर्धारित करता है महिला और पुरुष का अनुपात। तो ये ठीक है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।